नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में किसी भी छात्र ने संस्कृत विषय में दाखिला नहीं लिया है। वहीं छात्र एजुकेशन, टूर एंड ट्रेवल और म्यूजिक विषयों में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। इन विषयों में दो मेरिट सूचियों के बावजूद सबसे कम आवेदन आए हैं। वहीं कुछ विषय तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। टूर एंड ट्रेवल में 5 छात्रों ने ही आवेदन किया है, जबकि एजुकेशन में भी छात्रों का आंकड़ा 10 से कम ही है। महाविद्यालय में 2 मेरिट सूचियां लग चुकी हैं और इसकी काउंसलिंग भी चली हुई है, लेकिन इन विषयों में अधिकतर सीटें खाली ही हैं। इसके विपरीत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी जैसे विषय हैं जिनमें छात्र अधिक रुचि ले रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा आवेदन और दाखिले हुए हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंशुबत्ता सहगल ने कहा कि बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए और बीबीए की दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली गई है, जिसमें बहुत ही कम बच्चों को उनके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करने के लिए कॉलेज में बुलाया जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में इस सत्र में अभी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए, बीसीए, बीवॉक के दाखिले चल रहे हैं, जिसको लेकर के अभी हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। उसमें विद्यार्थियों को बहुत लिमिटेड नंबर में, स्टैगर्ड मैनर में, कुछ कुछ संख्या में बुलाया जा रहा है, ताकि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और जो इंटरेस्टेड हैं वो सॉफ्टवेयर में जाकर के एनरोल करें, रजिस्टर करें। और डॉक्टर अंशुबत्ता सहगल ने कहा कि अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है कि कॉलेज में कितने बच्चों ने प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक बच्चों द्वारा कॉलेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को उनके द्वारा चुने गए विषय में प्रवेश नहीं मिलता है तो वो दूसरे विषयों में भी प्रवेश ले रहे हैं। दाखिले चल रहे हैं, अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। और ऐसा भी रुझान होता है बच्चों का कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थी, वो किसी वजह से ना मिल पाई तो वो सेकंड प्रायोरिटी में फिर संस्कृत और बाकी सब्जेक्ट्स लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो बच्चे नहीं रजिस्ट हो पाए हैं अभी हिस्ट्री वगैरह में, आज भी एक बच्ची मेरे पास आई थी, पहले मैंने हिस्ट्री में बोलती अप्लाई किया था पर अब मैं संस्कृत लेना चाहती हूँ। तो ऐसे अभी जब तक दाखिले कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कितने बच्चे आएंगे।